हरिओम नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको हनुमान जी महाराज का एक ऐसा चमत्कारिक मंत्र बताने जा रहा हूँ जो कि अपने आप में एक बड़ा ही ताकतवर और सिद्ध और अति प्राचीन मंत्र है। इस मंत्र की विशेषता यह है कि अगर इस मंत्र को सिद्ध कर लिया जाए तो व्यक्ति किसी का भी भूत भविष्य बता सकता है, यहाँ तक कि स्वप्नावस्था के दौरान उसे अनेक प्रकार के होने वाली घटनाओं का आभास स्वतः पहले ही हो जाता है। बशर्ते इस मंत्र को मंगलवार या शनिवार के दिन शुरू करके सिद्ध किया जाना जरूरी है। विशेष रूप से इसके अंदर हनुमान जी महाराज की मूर्ति को ध्वजा और चोला अवश्य चढ़ाया जाना चाहिए, जो कि प्रति मंगलवार या शनिवार को किया जाए। तत्पश्चात हनुमान जी महाराज को चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित कर इस मंत्र की प्रत्येक दिन एक माला करनी आवश्यक है और 21 दिनों में यह मंत्र सिद्ध होता है। तत्पश्चात में स्वप्नावस्था के दौरान हमें होने वाली घटनाओं का आभास होना शुरू हो जाता है। तत्पश्चात मंत्र सिद्धि जैसे जैसे प्रगाढ़ होने लगती है वैसे वैसे मंत्र और ज़्यादा प्रभावी होकर के तत्काल भी हमें कई बातों का ज्ञान करा सकता है, बोध करा सकता है। बशर्ते इस मंत्र को एकांत स्थान में सिद्ध करने की आवश्यकता रहती है। व्यक्ति को पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना अति अनिवार्य माना जाता है। हनुमान जी के मंत्र जितने भी हैं उनके अंदर ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। बिना ब्रह्मचर्य के मंत्र साधना खंडित हो जाती है, उसका फल प्राप्त नहीं होता है। मांस मदिरा शराब इत्यादि से दूर रहना पड़ता है और नशे पत्ते का सेवन नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा सिर्फ हनुमान जी के प्रति अटूट श्रद्धा की भावना रख करके इस मंत्र का जप किया जाना आवश्यक है। इसकी शुरुआत करने के लिए, इस साधना को शुरू करने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि व्यक्ति शनिवार या मंगलवार के दिन सायंकाल या रात्रिकाल में हनुमान जी के मंदिर में लाल कपड़ा, लाल ध्वज या लाल चोला हनुमान जी को भेंट करने के लिए अपने साथ में लेकर जाए। अपने साथ में खुशबूदार अगरबत्ती और चमेली के तेल का दीपक हमेशा साथ रखें, जिसे ही प्रज्वलित करके हनुमान जी को ध्वजा अर्पित करें, चोला चढ़ाएं। तत्पश्चात हनुमान जी को भोग प्रसाद अर्पित करने के पश्चात में इस मंत्र की माला शुरू करनी चाहिए और विशेष रूप से गोरखनाथ जी का नाम अवश्य पहले लें, उनको प्रणाम करें, उनसे आज्ञा लेकर के इस मंत्र को जागृत करें, क्योंकि शाबर मंत्र गोरखनाथ जी की शक्ति से प्रस्फुरित होकर के ही प्रभावी हो जाता है। इसलिए ये आवश्यक है कि गुरु को नमन करने के पश्चात में ये साधना आरंभ की जाए। ये मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो हनुमते वीर वीराय मम स्वप्नम दर्श दर्श सत्यम कथय कथय स्वाहा। यह सिद्ध मंत्र है और इस मंत्र का एकांत के स्थान में एकांत मंदिर में बैठ करके जप किया जाना चाहिए और आपका आसन लाल हो और आपके वस्त्र भी लाल रंग का ही धारण किया हुआ हो, ऐसा इस प्रयोग के विधान में है, जिसका विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यक है और ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक है। इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि इस साधना के अंतर्गत साधना करने के दौरान आपकी दिशा उत्तर या पूर्व होनी चाहिए। समय इसका रात्रि काल है और लाल वस्त्र, इसके अलावा एकांत स्थान आवश्यक है और विशेष रूप से हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ करके ही ये प्रयोग किया जाता है। और अगर ऐसा ना बन सके तो हनुमान जी की ज्ञान मुद्रा वाली तस्वीर ला करके अपने घर पे इस प्रयोग को सिद्ध किया जा सकता है। बशर्ते मंदिर में, किसी प्राचीन हनुमान मंदिर में किया गया कार्य थोड़ा जल्दी सफल होता है। और इस बात का भी ध्यान रखें कि मंत्र ये साधना हमेशा गोपनीय या गुप्त रखनी चाहिए, इसके बारे में किसी और को बताने पर सिद्धि का प्रभाव कम हो जाता है, इसलिए गोपनीय तरीके से साधन करें और जैसे जैसे मंत्र सिद्ध होने लगेगा वैसे वैसे होने वाली घटनाओं का आभास आपको होने लग जाएगा और मंत्र जब जब प्रगाढ़ अवस्था को प्राप्त हो जाएगा, पूर्ण रूप से 1,25,000 का आंकड़ा जब पार हो जाएगा तो ये मंत्र सिद्ध स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। धन्यवाद।